Hello everybody, this side Sarvendra. Now I'm going to explain how to edit like Moody Brown, like Bablex, Vasco Cam and something. So sare tutorials ka base yahi rahega ki aap apne photos ko kaise Moody Brown mein kare convert. To maine preset bhi bana rakhe hain aur main aapke sath Telegram group mein bhi share kar dunga. Link description mein, aap Telegram group ko zarur join kare. Main wahan sari XMP और DNGs पुट करूँगा अराउंड मोबाइल फ़ोन्स के लिए और PC के लिए, तो दोनों के लिए रहेगा और दोनों बेनिफिट में रहेंगे. सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और कभी फाइल रिमूव नहीं होगी. सो हम बढ़ते हैं फ़ोटो एडिट की तरफ और मैं आपको बता देता हूँ फ़ोटो कैसे आप मूडी ब्राउन एडिट करेंगे. आप प्रीसेट यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन प्रेफर रहेगा कि आप हमेशा अराउंड अच्छे से एडिट करें खुद ही और खुद ही से करें. तो यहाँ आपको शिफ्ट कमांड ए दबाना है सबसे पहले, ठीक है. जैसे ही दबाएंगे यहाँ फ़िल्टर खुल जाएगा. फ़िल्टर में आना है आपने, फ़िल्टर कैमरा और फ़िल्टर, ठीक है. डायरेक्ट यहाँ आना है. अब यहाँ से चालू होती है आपकी सेटिंग्स की कैसे करना होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप यहाँ हमेशा रिवर्स से चालू करें जो रहता है आपकी कलर ग्रेडिंग, क्योंकि यहाँ से मेन आप कलर ग्रेड डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं. एक ओवर लुक पा जाएंगे आप, ठीक है. जैसे यहाँ मैं कुछ फिल कर देता हूँ, ठीक है. अब ये होता है कि मैंने इसमें से रेडनेस गायब कर दिया है इमेज में से, ठीक है. अब थोड़ा सा मेरे को ग्रीन भी चाहिए तो मैंने ग्रीन को थोड़ा पॉप कर दिया, क्योंकि ग्रीन ही जाके बाद में ब्राउन बनता है. सो ग्रीन हमें चाहिए होता है मेनली और ब्लू हमें बहुत कम चाहिए. तो यहाँ 17 कर देता हूँ और इसे अराउंड 14 सही रहेगा, हाँ, ठीक है. अब यहाँ FX में आते हैं. सो FX में कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ इसको 0 अराउंड 43 कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इफ़ेक्ट आपको अच्छे से देगा. और फैदर कर देते हैं इसको थोड़ा, इतना बेटर है. और हाइलाइट्स ज़रूर एक्सपेंड करें और कलर प्रायोरिटी पे कर दें, ठीक है. ये एक सिंपल है. और आते हैं लेंस करेक्शन की तरफ. तो लेंस करेक्शन में कुछ नहीं है, यहाँ पे स्प्लिट टोनिंग की तरफ बढ़ते हैं. हम स्प्लिट टोनिंग करते हैं, हम थोड़े से पहले यहाँ सेचुरेशन बढ़ा लीजिए आप अराउंड 8 तक, कि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या है. अब ऑल द वे अराउंड एक वो स्वीट स्पॉट ढूंढनी है आपने जहाँ आपकी फ़ोटो अच्छी लगे आपको. तो यहाँ सही लग रही है मुझे अपनी फ़ोटोज़. और ये देख सकते हैं हम कितना आए हैं अभी तक, जस्ट एक क्रिएट करा हमने डेप्थ फ़ोटो में, बस और कुछ नहीं करी है. अब आते हैं हम HSL एडजस्टमेंट जो मेन होती हैं आपकी, और इसी के बेस पे सब चीज़ें चलती हैं. तो यहाँ हम हमेशा ऑरेंज को थोड़ा डाउन कर देते हैं और येलो को ऑल द वे डाउन ले जाते हैं, क्योंकि हमें येलो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता है. और ग्रीन को भी ऑल द वे डाउन कर देते हैं एंड बाकी सब ज़ीरो पे ही रहने देते हैं और किसी को छेड़ते नहीं है. अब सैचुरेशन की तरफ बढ़ते हैं. तो सैचुरेशन में हमेशा रेडनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं, क्योंकि हमें ब्राउन को पॉप करना है. और यहाँ से इससे भी थोड़ा सा कम सैचुरेशन को. और येलोस हमें बिल्कुल नहीं चाहिए होते हैं, तो इसे अराउंड ऐसे पॉइंट पे रखते हैं जहाँ अप्रोक्स रही है, सही लग रहा है. अब 4 करते हैं इसे, थोड़ा सा 4 ही सही रहेगा. ग्रीन है नहीं ज़्यादा इसलिए हम थोड़ी से पॉइंट पे ही हटाते हैं इसे, ठीक है. अब बाकी सब को नेगेटिव कर देना है, क्योंकि हमें एक भी और कलर नहीं चाहिए अपनी फ़ोटो में. आप देख सकते हैं यहाँ ब्राउन कलर अचीव होने लग गया है. अब ल्यूमिनेंस की तरफ बढ़ते हैं. तो ल्यूमिनेंस में अब रेड को तो हमें छेड़ना नहीं है, क्योंकि रेड हमने पहले ही गायब कर दिया. अब ऑरेंज को थोड़ा हमें डार्क करना है, ठीक है. और येलोज़ को भी हमें बहुत डार्क करना है, अराउंड 30 एक स्वीट स्पॉट रहेगा. और ग्रीन के साथ हमें बहुत प्ले करना है. तो ग्रीन भी इसी के अराउंड होता है, दोनों मतलब इंटरलिंक्ड रहते हैं और हमेशा. तो यहाँ हमने ये अचीव कर लिया है ब्राउन कलर. अब इसे थोड़ा और जान देने के लिए कि अभी भी अच्छे से पॉप नहीं दिख रहा है ये, सो इसको बाय डिफ़ॉल्ट इतने पे ही रहने देना है. इसको कोई चेंज नहीं करना है आपने. शार्पनिंग जितनी है अगर आपको चाहिए तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं 30,
और मास्किंग को ऑल्ट दबा के क्लिक करके अराउंड 70-75 तक करना है। 30 करा है तो आपने इधर से 70 लेना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी शार्पन आ जाएगी, ऐसे आप रिवर्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं कर्व्स की तरफ। कर्व्स मेन होते हैं, यहाँ लोग ये छोड़ देते हैं चीज़ें, और मूडी ब्राउन लुक तभी अचीव नहीं हो पाता है आपसे आपकी फ़ोटोज़ में। तो यहाँ हम आते हैं हाइलाइट्स को बिल्कुल कम कर देते हैं, यहाँ हाइलाइट्स कम कर दी हमने, और लाइट को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि ये पोर्ट्रेट है थोड़ा सा, तो मैं चेहरे पे भी लाइट चाहिए, और थोड़ा डार्क भी इंक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा ही डार्क हो रही है, और शेडो को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं कि जो लॉस्ट डिटेल्स हैं वो थोड़ी हाईलाइट में आ जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम ये वाले सेक्शन की तरफ। अगर हम ये पहले कर लेते तो हमें आइडिया नहीं रहता कि हमारी फ़ोटो कैसे जा रही है, इसलिए रिवर्स कलर ग्रेडिंग बहुत बेटर रहती है, और ये अप्रोच भी एक नई है जिसके अराउंड आप कर सकते हैं सही से अपनी, जो भी आपको लगता हो कि हाँ ये मेथड सही है या फ्रंट से आपको चालू करना है। तो जो आप सबसे पहले हमें यहाँ से डब्ल्यू वाइट बैलेंस को ही सेट करना होता है। वाइट बैलेंस को अब सेट करने हैं तो हमें येलो की तरफ जाना है थोड़ा, क्योंकि हमें मूडी ब्राउन लुक अचीव करना है। तो यहाँ 10 एक स्वीट स्पॉट लग रहा है। अब टिंट को भी हमें ध्यान रखना है, इधर जाएंगे तो ग्रीन मिलेगा, इधर जाएंगे तो हमें मूडी ब्राउन मिलेगा। तो 22 मेरे को बिल्कुल सही लग रहा था। अब हमें एक्सपोजर को करना है डाउन, क्योंकि हमारी फ़ोटो हो गई है बहुत ओवर ब्राइट। तो एक्सपोजर हमेशा आप 25 या 35 को ही डाउन करें, ज़्यादा ना करें, और कॉन्ट्रास्ट हमेशा थोड़ा सा ऐड करें, लिटिल बिट ज़्यादा करेंगे तो फ़ोटो ब्लैक दिखेगी। अब हाइलाइट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो हाइलाइट्स हमें ज़्यादा चाहिए नहीं वैसे, लेकिन एक पॉइंट बढ़ा देते हैं। अब शेडो की तरफ बढ़ते हैं, शेडो थोड़ी सी डिटेल्स आ रही हैं आप देख सकते हैं, यहाँ इसमें हेयर्स में आ रही है। अब वाइट्स भी बढ़ाते हैं, वाइट्स सही लग रहा है थोड़ा चेहरा हल्का सा पॉपी के लिए, और ब्लैक्स को अब करते हैं ऑल द वे डाउन, कि जितना हमने ब्राइट ब्राइट करा है अब उसको कम भी करना है, मतलब एक बैलेंस बना के चलना है अपने फ़ोटो में अगर आपको मूडी ब्राउन अचीव करना है तो। और यहाँ अब हम टेक्सचर थोड़े से बढ़ा देते हैं 5, अगर आप रीटचिंग कर रहे हैं तो टेक्सचर ना बढ़ाएं जल्दी, आप क्लैरिटी की तरफ जोर ज़्यादा दे सकते हैं, इसलिए कलर ग्रेडिंग एंड पार्ट में करते हैं और कहीं जल्दी भी कर लेते हैं। और यहाँ से डीहेज आप देख सकते हैं, जैसे इधर जाऊँगा तो ज़्यादा ब्लैक होगा और इधर आऊँगा तो वो फ़ोटो में से डिटेल्स निकालेगा, तो ज़्यादा भी नहीं निकालिए। 8 मेरे को सही स्पॉट लग रहा है, ये देख सकते हैं हमने कितना अचीव कर लिया है। और अब मेन आता है वाइब्रेंस और सेचुरेशन, यही डिपेंड करता है आपको मूडी ब्राउन ज़्यादा मूडी ब्राउन चाहिए कि कम मूडी ब्राउन चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके उस पर। ये मैंने अपने प्रीसेट्स में भी छोड़ रखा है स्लाइडर कि आपको एडजस्ट करना है, अगर आपको कम मूडी ब्राउन चाहिए जैसे इतना तो आप इतना कर सकते हैं, सेचुरेशन अगर इतना मूडी ब्राउन चाहिए तो इतना, इतना चाहिए स्वीट स्पॉट वाला मूडी ब्राउन तो ये कर सकते हैं आप। तो मेरे प्रीसेट्स में ये स्लाइडर कई कई जगह फिक्स्ड होंगे, कई जगह नहीं होंगे, तो अराउंड मैं अगर इसमें आपको बताऊं तो हमेशा वाइब्रेंस को नीचे करें और सेचुरेशन को हमेशा 0 पे रखें, जिस हिसाब से मेरे को लगता है, या सेचुरेशन को थोड़ा 1-2 पॉइंट नीचे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने कितने ईजिली मूडी ब्राउन लुक अचीव करा है, और हमने जस्ट बैकग्राउंड को ही अच्छे से मैनिपुलेट करा है, हमने किसी और चीज़ को इतना इफेक्ट नहीं कराया, आप देख सकते हैं मेरे प्रीसेट में फेस के कलर को भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कराया मेरे किसी प्रीसेट ने, और यहाँ पे हमें अच्छे से लुक भी अचीव हो गया। तो ये फ़ोटो की क्वालिटी या कुछ लूज़ करे बिना आपको मूडी ब्राउन अचीव लुक हुआ है। और अगर इसे डाउनलोड करना है तो ज़रूर टेलीग्राम वाले ग्रुप में आए, वहाँ से डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो बाकी लोग ये 25-25 डॉलर 30-30 डॉलर में बेचते हैं तो यार वहाँ से मत खरीदो। मानता हूँ उनके प्रीसेट अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो हाई एंड DSLR से खींचते हैं, और हाई एंड DSLR से जब खींची जाती है फ़ोटो तो यार उस पर सब कुछ अच्छा लगता है। और अगर आप निकॉन 5300, 700D ऐसे से क्लिक करते हैं तो यार थोड़ा आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में ज़्यादा जान देनी पड़ती है। और यहाँ मैं आपको दूसरे भी दिखा देता हूँ, यहाँ इसे होल्ड ओके कर देता हूँ, और ये देख सकते हैं अच्छे से अप्लाई हो गया और ये आपको मिल जाएगा। अब मैं दूसरी फ़ोटो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, सो ये फ़ोटो है एक,
अब इसे रिटच कर वो क्या कहते हैं मूडी ब्राउन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ मैंने एक प्रीसेट पहले से ही बना रखा है आप सबके लिए, और मैं दिखा देता हूँ, ये हाउ टू एडिट नाम का फोल्डर होगा जिसमें आपको बहुत सारे प्रीसेट मिलेंगे। और ये ब्राइट फेस, तो ये जो मेनली है ये ब्राइट फेस नहीं है, ये है हमारा पोर्ट्रेट, क्योंकि हमने ये यहाँ तक ले रखा है स्टमक लेवल तक, तो ये पोर्ट्रेट में काउंट होगा। तो पोर्ट्रेट में जैसे ही जाएंगे आप यहाँ क्लिक करेंगे, सो ये देख सकते हैं आप मूडी ब्राउन में कितना अच्छा क्रिएट हो गया। अगर आपको थोड़ा मतलब फेस डार्क लगे, मेरे को पसंद आता है फेस मतलब डार्क रहे थोड़ा सा, तो आप लाइट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें कितना आराम से मूडी ब्राउन अचीव हो गया है। और अगर आप इसे करने बैठेंगे तो यार बहुत टाइम लगेगा। ये फ़ोटोज़ भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप खुद ट्राई कर सकते हैं इन्हें मूडी ब्राउन में कन्वर्ट करने का, और देख सकते हैं। मैं और फ़ोटोज़ भी आपको करके दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखी थी आप सबके लिए सैम्पल के लिए, कि तो दूसरा प्रीसेट इस पर लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। सो यहाँ थोड़ा मतलब डार्क चाहिए क्योंकि सारा इन्वायरमेंट लाइट है, तो मैंने यहाँ मूडी ब्राउन डार्क बना रखा है पहले से ही। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी जल्दी और इजीली मेरे को अच्छे से लुक अचीव हो गया। और यहाँ पे आप ये डार्क को थोड़ा सा कर सकते हैं जैसा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और वाइब्रेंस को मैंने कहा था मैंने स्लाइडर छोड़ रखे हैं, तो आपको जितना मूडी ब्राउन चाहिए आप उतना बढ़ा सकते हैं उतना घटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप पे पूरी छूट रहेगी कि आपको मूडी ब्राउन सिलेक्ट करने का, और बाकी किसी के भी मतलब प्रीसेट में इतना नहीं रहेगा। और मैंने यहाँ लैंडस्केप का भी एक डाला है कि अगर आप हिल्स में जाते हैं और फोटो एडिट करते हैं तो वहाँ पे हमेशा यही रहता है कि वहाँ ग्रीनरी होती है, वाइट होते हैं, ब्लूज़ ज़्यादा आते हैं। तो यार ये एलिमिनेट नहीं हो पाता कई बंदों से मूडी ब्राउन में, तो इसके लिए भी मैंने प्रीसेट बना रखा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लैंडस्केप नाम से। और ये देखिए कितना आराम से कर दिया पूरा प्रीसेट और सही। और यहाँ पे मैंने दोनों स्लाइडर फिर छोड़ रखे हैं कि आपको जितना मूडी ब्राउन चाहिए आप उतना पुश इन कर सकते हैं, पुश आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हाईलाइट्स अच्छी चाहिए और चाहिए तो यहाँ हाईलाइट्स में जा सकते हैं या इसमें ये एक्सपोजर। सो यहाँ मैं ट्यूटोरियल को रैप अप करता हूँ, और होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप मूडी ब्राउन लुक ज़्यादा अच्छे से अचीव कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको अगर और प्रीसेट चाहिए हो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, और कमेंट डाउन करें जो भी आपका फेवरेट आर्टिस्ट है, मैं ज़रूर लुकअप करूंगा। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर डालिए अगर मैं आपकी पोस्ट देखूँ और आपने कैसी एडिट कर रखी है, सो मैं गो थ्रूंगा और आपको कुछ सजेशन दे सकता हूँ। सो ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और मेरी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू गाइस।